हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो कैसे बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पीछे का बैकग्राउंड वो एकदम ब्लर है, तो काफी लोगों को इस तरीके के वीडियो, ब्लर वीडियो जो बैकग्राउंड रहता वो काफी लोगों को पसंद रहता है। तो ऐसे ही वीडियो आपको आज आपको बनाना सिखाएंगे। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हैं आप बगल से इस तरीके का एक आपको ग्रीन स्क्रीन लगा लेनी है, ओके, और आपको कान मास्टर ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। इन दोनों की ही सहायता से इस तरीके की ब्लैक बैकग्राउंड वाला वीडियो आप बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन का एक पर्दा लेकर आना। तो वो कैसे लेकर आएंगे, यानी कि इमेज। तो इमेज लेकर आने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया पर आपको करना है क्लिक। मीडिया पर क्लिक करने के बाद इमेज असेस पर करना है क्लिक, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का इस तरीके का आ जाएगा एक इमेज। तो ब्लैक कलर की इमेज यहाँ पर इस तरीके से ले लेनी, ओके। तो जितना बड़ा आपका वीडियो है उतना ही आपको ये खींच खींच के उतना ही बड़ा कर देना है। तो चलिए उतना ही बड़ा कर देते हैं। जैसे कि आपका एक मिनट का वीडियो है, दस मिनट का वीडियो, जितना आपका बड़ा वीडियो हो उतना ही बड़ा आपको इस तरीके से खींच खींच के कर देना है, जैसे कि देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, ओके। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर वो वीडियो लेकर आएंगे जो वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो वो वीडियो लाने के लिए देख सकते हैं लेयर पर आपको करना है एक बार क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर एक बार फिर से क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएँ। तो जहाँ पे भी जो आपका वीडियो हो वो वीडियो आप ले लेना। तो देख सकते हैं मैं यहाँ से कैमरा में मेरा एक वीडियो है, यहाँ से कैमरा से अभी शूट किया था, ओके। तो देख सकते हैं ये वाला वीडियो है, इसी का करेंगे, ओके। तो इस पर बस एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये वाला वीडियो आ जाएगा, ओके। इस तरीके के आने के बाद ये वाला वीडियो अब देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा भाग है जो ये हटाएंगे, केवल ये पर्दा पीछे का लगा है उतना ही रखेंगे। तो चलिए इसको पहले क्रॉपिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉपिंग पर एक बार करना आपको क्लिक। क्रॉपिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कोने आ जाएंगे। तो ये कोने आपको इस तरीके से देख सकते हैं जितना आपका पर्दा है पीछे का उतना ही हिसाब से आपको कर देना, ताकि ये क्रॉपिंग अच्छे से हो सके, ओके। तो देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से देख सकते हैं आप कर दिया, ओके। इतना कुछ करने के बाद चलिए अब एक बार कर लेते हैं बैक। तो बैक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से आपने बैक कर दिया। बैक करने के बाद अब आपको नीचे आना, देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमा की, इस तरीके का क्रोमा की पर आपको करना है क्लिक और इसे इनेबल पर कर देना है क्लिक। इनेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो सेटिंग आपको नज़र आएंगी। ये दोनों सेटिंग आपको अपने हिसाब से इस तरीके से आपको करके देख लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से, वैसे तो मैं यहाँ पर 38 करने वाला हूँ, ओके। देख सकते हैं इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से करके देख लेना। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर दिया, ओके। अब इसको सही से एडजस्ट करने के लिए वीडियो को यहाँ पर आपको करना है एक बार क्लिक। तो चलिए इस तरीके से क्लिक करने के बाद इस तरीके से खींचना है, देख सकते हैं जितना आपको रखना है उस हिसाब से आप अपना वीडियो रख सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद चलिए अब वीडियो आपको प्ले करके दिखाते हैं। ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो कैसे बनाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा, तो देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो बन गया। तो इसी तरीके से एकदम ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो बनाया जाता है। और इस वीडियो को सेव करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको, जहाँ पर मैंने टिक लगाया है यहाँ पर आपको करना है एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिटियाँ आ जाएंगी, जिस क्वालिटी में आप रखना चाहते हैं HD फुल HD में आप अपने हिसाब से देख लेना और सेवस पर कर देना है क्लिक। सेवस पर क्लिक करने के बाद ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, पूरी भर जाएगी और आपका वीडियो हो जाएगा सेव। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।